हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राजू द गाइडर। और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि साइकिलिंग रिलेटेड ही है। पर आज एक ये साइकिलिंग नहीं है, आज साइकिलिंग रिलेटेड एक प्रोडक्ट आया है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। मतलब इसमें क्या अनबॉक्स करने का, ये आया है पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है और ये प्रोडक्ट मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एवरी वीक आपको एक नया साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। और आई होप यू एन्जॉय दैट वीडियो आल्सो। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो आज का ये अनबॉक्सिंग में ये जो प्रोडक्ट आया है, ये है मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि साइकिलिंग करते वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़ॉक्स जी प्लस साइकिलिंग कंप्यूटर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा ये मंगा लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फटाफट इसको फटाफट करते अनबॉक्स, मतलब इसको क्या अनबॉक्स करने का, इसको जस्ट यहाँ से ओपन करके अंदर देखते हैं क्या क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे और इसका टेस्ट भी करेंगे साइकिलिंग करके कि इसका जो मतलब एक्यूरेसी है वो परफेक्ट है या नहीं है। ये जीपीएस एनेबल साइकिलिंग कंप्यूटर है, तो चलिए फटाफट करते हैं इसको ओपन। तो गाइस, आपने ये देख लिया, तो इसको हम करते हैं ओपन। इसको ओपन करने के लिए हमको यहाँ पीछे एक ओपन का यहाँ पे साइन दिया गया है, तो उसको ओपन करते हैं। इसमें से हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ये जो डिवाइस है आप देख सकते हो, छोटा सा डिवाइस है। इसका जो एलसीडी स्क्रीन का डिस्प्ले है वो 1.8 इंच का ही है, छोटा सा। पीछे ये माउंट के लिए दिया गया है, यहाँ पे ये रिचार्जेबल है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं अपने किसी भी माइक्रो यूएसबी से। ये पोर्ट दिया गया है उसके लिए। उसके बाद चलो, इसको ये स्टिकर निकला हुआ ही है, इसको निकाल दिया है, जस्ट आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डिवाइस है। यहाँ पे एक ब्रांडिंग भी दिया गया है XOSS, और इसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलता है गाइस एक प्रोडक्ट मैनुअल, हाउ टू ऑपरेट, क्या क्या चीज़ हमको करना चाहिए, किस तरह से इसको सेटअप करना चाहिए। तो ये एक चाइनीज़ लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो ये प्रोडक्ट मैनुअल है, इसको साइड में करते हैं। और उसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी मिली है, जैसे कि ये दो रबर स्टैप है अटैच करने के लिए, ये और एक ये माउंट के लिए लगाने के लिए, आप अपने टॉप ट्यूब पे मतलब जो भी स्टेम है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं अच्छी तरह। इसको इस तरह से आपको फिट करना है, तो इसको इंस्टॉल भी करते हैं और देखते हैं कैसा ये वर्क करता है, और इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं फटाफट। और ये एक यूएसबी केबल भी दिया गया है। तो बस इतनी चीज़ है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये स्पीड, माइलेज, टाइम, ग्रेडियंट भी देता है, ऑटोमेटिक इसमें बैकलाइट भी है पीछे, बिल्ड इन बैरोमीटर है, जीपीएस, 4 टाइप्स ऑफ जीपीएस ये सपोर्ट करता है। और इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसको करते साइड में, इसको ऑन करने का ट्राई करते हैं। ये इसको प्रेस करने से ये ऑन होता है, और आफ्टर 10 सेकंड ये ऑन हो जाएगा। हाँ, तो ये अपना डिवाइस ऑन हो गया है। आप देख सकते हो इसमें एलसीडी डिस्प्ले बहुत ही शानदार है और पीछे बैकलाइट अभी चालू है, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। ओवरऑल बिल्ट क्वालिटी इसका सुपर्ब है, और इसका एक बार साइकिलिंग करके इसका टेस्ट भी करते हैं कि कैसा ये वर्क करता है कि नहीं करता है। इसको आप यहाँ पे स्टैम्प पे ऐसे रख सकते हो,
देन ये आप एक यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से ये एक साइड से रबर को खींच के क्रॉस में यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये इजीली आप माउंट कर सकते हो अपने साइकिल पे। ये हो गया माउंट। और इसमें जो ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे ये हॉल है, वहाँ पे आपको जस्ट सिंपली इसको फिट करना है और देन इसको राउंड में टप कर दें, तो ये जो टक आवाज़ आएगा उसके बाद ये माउंट हो गया साइकिल के ऊपर। बहुत इजीली और बहुत सही ढंग से ये सेट हो जाता है साइकिल पे। तो गाइस आप देख सकते हो ये स्पीडोमीटर का एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है अभी, एकदम परफेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये माइल्स पर आवर में है अभी फिलहाल, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये अप्रोक्स 25-27 किलोमीटर के आसपास रहेगा एवरेज अभी, तो इट वर्क्स वेरी नाइसली। और ये मेरा एक पुराना वाला जो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू है, इसमें सेंसर का इशू रहता ही है। तो आप इस तरह का GPS अनेबल साइकिलिंग कंप्यूटर परचेस कर सकते हो जिसमें कोई भी इश्यू नहीं है अब तक। अभी ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की कर दी है अपने फ़ोन में और इसको कनेक्ट भी करते हैं अपने, लेट अस सी। तो ये ब्लूटूथ कनेक्शन से ये मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो ये इसका आ गया, इसको डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। और ये जो हमने जो राइड किया है आज का वो भी इसके साथ मैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक वर्कआउट था वो आ गया है, तो इसको सिंक करते हैं। तो ये गाइस आप देख रहे हो नीचे सिंक हो रहा है पूरा, आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगाता है, तो गाइस आप देख सकते हो ये 98% हो गया, ये 100% सिंकिंग हो गया है। तो ये वर्कआउट पूरा सिंक हो गया है, तो इसको डन कर देते हैं। और ये वर्कआउट में जाके आप इसको देख सकते हो कि मैंने कितना किलोमीटर राइड किया है आज का, और ये इसका चार्ट किस तरह से आपने पूरा वर्कआउट किया है साइकिलिंग पे, ये पूरा डाटा आ जाएगा इस पर, कितना डिस्टेंस कवर है, वर्कआउट आईडी, एवरेज मूविंग स्पीड, एवरेज स्पीड, मैक्स स्पीड 35.7 था, एलिवेशन गेन, एलिवेशन लॉस, फिर ये मूविंग टाइम 1.52। तो ये पूरा मतलब आ जाता है, तो इसको यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो, ये आप शेयर भी कर सकते हो किसी को, ये है तो कनेक्ट विथ स्ट्रावा भी कर सकते हो, ये कनेक्ट विथ स्ट्रावा ऑथोराइज करना पड़ेगा, तो आप ऑथोराइज कर सकते हो स्ट्रावा के साथ। नाउ इट्स कनेक्टेड राजेश परमार, मेरा आईडी यूट्यूब आईडी राजू द गाइडर, और ये ऑल वर्कआउट सिंक्ड, तो ये मेरा वर्कआउट हो गया। तो यही था गाइस, आप देख सकते हो। ये पूरा किस तरह से मैंने साइकिलिंग किया है वो पूरा आ जाता है, तो इट्स अ नाइस वन। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी, और अगर आपको ये परचेस करना है तो आप कर सकते हो। ज़ॉक्स अभी तक का सबसे इकोनॉमिकल ये GPS एनेबल साइकिलिंग कंप्यूटर है। तो गाइस आपको ये डिवाइस कैसा लगा, इसका अनबॉक्सिंग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और ये ज़ॉक्स का जो G+ साइकिलिंग कंप्यूटर है उसके बारे में अगर और भी आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। और आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज़।
एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।